रीमा अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लाई हूँ क्रिस्पी क्रंची एग फ्राइज़, जो आपके बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये मैंने 1 किलो आलू लिए हैं। इसको मैंने छील के बहुत अच्छी तरीके से धो के उसको खुश कर लिया पानी इसका सारा। इसको हमने इस शेप में कट करने हैं जैसे हम फ्राइज होते हैं उसी तरह। इसके साथ ही इसके अंदर मैंने 2 अंडे लिए हैं, इसको हम शामिल कर देंगे। ये मैंने 4 खाने के चम्मच लिए हैं मैदे के, क्योंकि 1 किलो आलू है तो उसमें 4 खाने के चम्मच जाएंगे, वो शामिल कर देंगे इसके अंदर हम। इसके साथ ही मैंने 3 चम्मच लिए हैं खाने वाले चावलों का आटा। इससे बहुत अच्छे क्रिस्पी और क्रंची टाइप बनते हैं चिप्स। ये मैंने हाफ टी स्पून लिया है पिंक सॉल्ट, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला लिया है और 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें कुटी लाल मिर्च ली है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, नहीं चाहें तो नहीं भी डालें। ये देखिए सब सामान इसमें हमने शामिल कर दिया। इसको हम हाथ की मदद से बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे आलू इसमें शामिल हो जाए सारा मसाला। इस मसाले को लगा के हम तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दें। अगर आपके पास टाइम है, नहीं है तो आप 10 मिनट में ही फ्राई कर सकते हैं। ये इतने क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे कि आपके बच्चे बाहर के फ्राइज़ भूल जाएंगे, जैसे KFC वगैरह के बहुत पसंद होते हैं, बच्चों को शौक से खाते हैं। लेकिन जब ये घर के बनेंगे, एक तो फ्रेश होंगे, आप अपने हाथ से बनाएंगे, आप मुतमईन होंगे अपने बच्चों को देने के लिए। बाहर का हमें नहीं पता था किस तरह तेल है, कैसा है। बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। इसको हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसका अंडा, चावलों का आटा, मैदा, हर चीज़ मिक्स हो जाए इसके साथ। ये देखिए हमने बहुत अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दिया। अब हम इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। देखिए हमें आधे घंटे से ज़्यादा हो गया इसको मसाला लगा के। अब इसमें हम ऑयल को हमने गर्म कर लिया, उसमें हम ये सारे फ्राइज डालते जाएंगे। चलिए पूरे फ्राई हो जाएंगे सही तरीके से, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको। देखिए हमारे बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं फ्राइज़ हमारे। ये देख, इसको हमने इसी कलर में जब हमारे गोल्डन ब्राउन हो जाए, जब हमने उतार लेने ताकि क्रिस्पी हो। ये हमारे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं अगर क्रिस्पी बनेंगे तो। चलिए मैं अब आप इसको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। ये आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। ये देखने में जितने मज़ेदार हैं, खाने में भी उतने लजीज हैं। आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दें। इसमें देखें, मैंने मैदा भी इस्तेमाल किया है, चावल का आटा भी, अंडा भी है, तो एक तरह से हमारे पूरी डाइट जा रही है बच्चे के। तो आप ये ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा इस रेसिपी को। मेरी अगर रेसिपी आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।